हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अजान। आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुवैत की पांच इंपॉर्टेंट अपडेट। तो वो कौन कौन सा पांच इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ कुवैत वीजा के ऊपर दो नई अपडेट है, तो वो क्या अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मालूम चलेगा। और 97 लोग जो कुवैत गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे उनको क्यों टर्मिनेट किया गया, मतलब उनको क्यों जॉब से हटा दिया गया, और ये जितने भी 97 लोग थे ये बाहर से काम करने के लिए कुवैत के अंदर आए थे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो क्या था पूरा मामला, इस वीडियो के अंदर सारा कुछ समझेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर जो केपीटीसी है, केपीटीसी मतलब कुवैत पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन्होंने कुवैत के अंदर एक मुबारका एरिया है उसके अंदर से बस को फ्री कर दिया गया, मतलब उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप फ्री बस सेवा ले सकते हैं। अगर आप मुबारका एरिया के अंदर रहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फ्री बस का सेवा ले सकते हैं कुवैत में इधर उधर जाने के लिए जहां भी आपको जाना है। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको केपीटीसी का जो बस सेवा है आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलेगा, मतलब 10 AM से लेकर 10 PM तक। और मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 तक 60% लोकेशन ऐसा होगा कुवैत के अंदर जहां पे आपको केपीटीसी का फ्री बस सेवा मिलेगा कहीं भी जाने के लिए। सबसे पहले थैंक यू केपीटीसी के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत के अंदर जितने भी कुवैती है, 6000 कुवैती ने CSC मतलब सिविल सर्विस कम्युनिकेशन, इसके अंदर 6000 लोगों ने जो कुवैती है, जो कुवैत में रहने वाले हैं, उन्होंने अप्लाई किया है जॉब के लिए। मैं आपको बता दूं CSC जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर में 6000 कुवैती ने जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुवैत के अंदर भी जॉब का कितना क्राइसिस है और कितना बेरोजगार कुवैती भी है। और अगला जो अपडेट है इसी से रिलेटेड है, तो वो क्या अपडेट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के अंदर ये है CSC मतलब सिविल सर्विस कम्युनिकेशन, इसके अंदर MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये जो मैंने आपको दोनों डिपार्टमेंट बताया है ये दोनों गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर 97 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है, मतलब जॉब से हटा दिया गया है। और ये जितने भी 97 लोग थे जो कुवैत में काम करने के लिए आए थे बाहर से, मतलब मेरे जैसे हमारे जैसे जितने भी सारे लोग जो बाहर काम करने के लिए आते हैं कुवैत के अंदर, वही लोग थे जो 97 लोग MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम कर रहे थे। और ये कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये अच्छे पोस्ट पे थे, ज्यादातर लोग इसके अंदर एडमिन थे। तो इन सारे लोगों को कुवैत से निकाला गया है, 97 लोगों को टर्मिनेट किया गया है हमेशा हमेशा के लिए। इनकी जगह पे यहाँ पे जो कुवैती है उनको जॉब दिया जाएगा कुवैत के अंदर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कुवैत के अंदर जो भी अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, उनको धीरे धीरे अब निकाला जा रहा है और उनकी जगह पे जो यहाँ के कुवैती हैं उनको रखा जा रहा है, उनको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत के अंदर 100 ऐसे एक्सपर्टीज है, मतलब जो कुवैत के अंदर ऐसे लोग हैं 100 लोग जो कुवैत के अंदर रहते हैं, उनका जो वीजा है वो रिन्यूअल नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि जितने भी 100 लोग हैं ये किसी न किसी सस्पेक्ट के अंदर पकड़े गए थे कभी न कभी, और ज्यादातर लोग लेबनानीज हैं, मतलब जो लेबनान से हैं और ईरान से हैं, सीरिया से हैं, और ज्यादातर लोग इजिप्ट के भी अंदर से हैं। तो ये ज्यादातर लोग जो कुवैत में 100 लोग जो मैंने आपको बताया है इन चार कंट्री से हैं, और ये कभी न कभी किसी न किसी चीजों से पकड़े गए हैं, मतलब सस्पेक्ट किए गए हैं, और साथ ही साथ ये फाइन देके छूट जा रहे थे। लेकिन अब पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर ये फैसला लिया है कि ये 100 लोगों का वीजा जो है उसको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ इनको डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब इनको जाने के लिए कहा जाएगा कुवैत से। फिर से मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एशियन ज्यादातर कोई नहीं है, जितने भी हैं अरबिक लोग ही हैं और ज्यादातर लेबनान के हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं पांचवी अपडेट के बारे में। पांचवी अपडेट के अंदर ये है कि फातवा एंड लेजिस्लेशन ने पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के जो चेयरमैन है उनसे कहा है कि जो 60 साल का जो वीजा फीस है 500 KD उसको भी नॉर्मल कर दिया जाए जो पहले था, मतलब जितना पहले फीस लग रहा था रिन्यूअल का सारे एजों में वही रखा जाए, मतलब उसके अलावा उसको कोई भी चेंज नहीं किया जाए। जैसे कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर ने कहा था कि 500 दिनार लगेगा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जो कि 500 KD से 700 KD तक का आएगा। मैं आपको बता दूं कि इस पे फिर से फातवा एंड लॉजिस्टिक ने पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के जो चेयरमैन है उनसे कहा है कि जितना भी पहले नॉर्मल था, जैसे वीजा रिन्यूअल हो रहा था और वीजा का जितना चार्ज था, मतलब जितना वीजा का फीस था उतना ही रखा जाए, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाए। जिन लोगों को नहीं पता है कि फातवा एंड लॉजिस्टिक होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया के अंदर अदालत होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसी टाइप से फातवा एंड लॉजिस्टिक एक अदालत है कुवैत के अंदर। जो भी कुवैत के अंदर बिल पास किया जाता है या किसी भी टाइप का लॉ बनता है, मतलब कानून बनता है, तो लॉजिस्टिक मतलब फातवा एंड लॉजिस्टिक भी उस पर साइन करती है, उसको अप्रूवल देती है। अब देखते हैं कि 60 साल एज ग्रुप का जितना भी वीजा है उस पर फाइनल डिसीजन कब आता है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से। जो भी डिसीजन आता है, जो भी अपडेट आता है किसी भी वीजा के ऊपर, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में भी इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। तो ये था कुवैत का पांच बड़ा अपडेट। आपको कौन सा अपडेट ज्यादा अच्छा लगा आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप कुवैत को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें कि जैसी कोई
भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं क्वेज अपडेट। थैंक यू।